जय श्री सीताराम। मोती पहन लीजिए, ऐसा करके आपका मन शांत हो जाएगा। जो चिंता तनाव एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी। मन शांत होगा तो सुकून मिलेगा, खुशी आएगी। ऐसा कई सारे ज्योतिषियों ने ये बात कही होगी। सार्वजनिक तौर पर टीवी या फिर सोशल मीडिया में भी आपने ऐसे वीडियोस या फिर गूगल वगैरह पर लेख देखे होंगे। और शायद आपको ये बात पता भी होगी कि मोती पहनना, मोती यानी पर्ल, सच्चा मोती ऐसा भी कहते हैं कई कई जगह पर, पर्ल कहते हैं, कई कई साउथ सी पर्ल कहते हैं। तो ये जो मोती होता है, क्या ये पहनने से सचमुच में मन शांत हो जाता है? बिल्कुल गलत है। जैसे सारे ग्रहों के स्टोन्स हैं, है ना, जैसे सूर्य का रत्न क्या है, रूबी माणिक, गुरुदेव का, बृहस्पति का रत्न क्या है, पुखराज येलो सफायर, शुक्र का रत्न क्या है, हीरा, है ना, ऐसे ही चंद्रदेव का रत्न जो है वो मोती है ना। जैसे जो सारे ग्रह हैं, हाँ, ये जो 9 ग्रह हैं, इनके अपने अपने रत्न हैं, और ये सारे रत्न बिना सलाह के नहीं पहनने चाहिए, ऐसे मोती भी बिना सलाह के नहीं पहनना चाहिए। सलाह कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक कुंडली में ना देख, सलाह का मतलब ये नहीं कि किसी ने भी आपको चलते फिरते सलाह दी थी मोती पहन लो मन शांत हो जाएगा, मैं उस सलाह की बात नहीं कर रहा हूँ। सलाह कहने का मेरा मतलब ये है कि कुंडली को देखना पड़ेगा, कुंडली को देख करके चंद्र की स्थिति को देखना पड़ेगा, उसको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी डिग्री देखना पड़ेगा, उसकी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, उसका मारकत्व कारकत्व देखना पड़ेगा, उसके साथ युति देखना पड़ेगा, उसकी प्लेसमेंट कहाँ किस जगह पर बैठे हुए हैं ये देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि मोती पहनना भी चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। तो एनालिसिस करने के बाद की सलाह की मैं बात कर रहा हूं, मन से कुछ नहीं बोल रहा। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्र खराब है, हाँ जी, जैसे नीच राशि स्थित है, छठवें आठवें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यदि कहीं चंद्र खराब है तो मोती पहनना आपके लिए इतना ज्यादा खराब हो सकता है जितना कोई ग्रह नहीं। लोग कहते हैं ना, शनि का रत्न नीलम बहुत परेशान कर देता है, तबाही ला देता है। नहीं जी, मोती उससे ज्यादा तबाही ला सकता है। उसकी वजह यह है कि हाँ, सबसे बड़ी तबाही होती है मानसिक तबाही। देखो, दिमाग में यदि खुशी है, उत्साह है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और दिमाग में खुशी उत्साह खत्म हो गया तो एक डल्लभ के गद्दे पर ऐसे में बैठा हुआ व्यक्ति भी फांसी लगाने की सोचता है ना। तो मुख्य चीज है मानसिकता, और मोती यानी चंद्र जो है, चंद्र मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्र का रत्न मोती सीधे मानसिकता पर ही या तो हार्म करेगा या फिर उसको ठीक करेगा। तो कुंडली में यदि कहीं चंद्र खराब है, खराब स्थिति में बैठे हुए, मारकत्व वाली स्थिति में बैठे हुए हैं, और यदि चंद्र को और बल दे दिया, भाई रत्न पहन करके किसी ग्रह को बल मिलता है, तो और बल दे दिया तो वो खराब अपने और खराब फल देना शुरू कर देंगे, और जब वो अपने और खराब फल देना शुरू कर देंगे तो चिंता तनाव एंजाइटी बढ़ेगी, मन अशांत और ज्यादा होगा, और हो सकता है गलत दिशा में, यदि बच्चों को पहना दिया गया तो गलत दिशा में वो भटके और सही काम ना करे, और फिर हम दोष सारा जो है वो उस बच्चे पे थोप दे। कई छोटे छोटे बच्चों को गले में मोती पहना देते, छोटे छोटे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को गले में मोती पहना दिया, उनके चंद्र बहुत खराब है, और सर ये पढ़ाई नहीं करता है या पढ़ाई नहीं करती है, सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, और गले में मोती पहन करके रखा हुआ है। मैं बोलता हूँ भाई इसको निकालो। बोले सर उन्होंने तो कहा था कि मोती जो है वो शांति देता है, सुकून देता है। मैंने कहा मिला शांति, अशांति और बढ़ गई। बोले अच्छा ऐसा है क्या, हमें तो लग रहा था कि इतना भी कुछ, यदि थोड़ा बहुत भी कुछ ठीक है इसमें तो वो मोती की वजह से। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मना करता हूँ। कई लोग तो खुद ही पहना देते हैं, खुद को पता है ना कि मोती मन शांत करता है, तो पहन लो मोती। नहीं जी ऐसा नहीं करना। जैसे 9 ग्रह बिना कुंडली देखे नहीं पहने जाते, ऐसे ही मोती भी बिना कुंडली देखे नहीं पहनना है। पता नहीं कहाँ से लोगों ने मोती को एक ऐसा रत्न बना दिया, जो पर्ल है उसको एक ऐसा रत्न बना दिया कि कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मोती जो है वो उन्हें पहनना चाहिए जिसमें, जिसकी कुंडली में चंद्र अच्छे हैं लेकिन कमजोर फल दे रहे हैं। तो कमजोर फल दे रहे हैं लेकिन अच्छे हैं, तो फिर मोती पहने तो चंद्र और मजबूत होंगे, और मजबूत होकर के और अच्छे फल दे पाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है रत्न कब और क्यों। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि रत्न कब पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, तो इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, रत्न कब और क्यों।
वहां पर जाइए, ऐसा लिखिएगा यूट्यूब के सर्च पर, लिखिएगा रत्न कब और क्यों कॉमा वी एस एस्ट्रोलॉजी, ऐसा लिख के सर्च कीजिएगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई सा भी रत्न आपको क्यों और कब पहनना चाहिए। लेकिन ये वीडियो मेरा मोती या पर्ल के ऊपर था, इसकी अवेयरनेस को लेकर के था, बिना कुंडली दिखाए मोती पर्ल न पहने। और अच्छा, एक और बात, कुंडली दिखाने का मतलब क्या है? तो कुंडली दिखाने का मतलब यह है कि जैसे हमें कोई बीमारी है तो हम कुछ भी झोला छाप के पास नहीं चले जाएंगे, हम एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो वो MBBS होगा या फिर वो MD होगा या फिर वो DM होगा, जो भी है तो उसके ही पास जाएंगे हम। ऐसे थोड़ी होगा कि किसी को जो है डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तो किसी भी झोला छाप जो लुंगी लपेटा हुआ डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर तो वो है नहीं लेकिन खुद को डॉक्टर बोल रहा है, लुंगी लपेट करके बनियान में जो है वो इसको बोतल चढ़ा रहा है, उसको बोतल चढ़ा रहा है, गांव में अक्सर ये देखने को मिल जाता है, तो उसके पास थोड़े हम इलाज करवाने जाएंगे। तो जैसे हम अच्छा डॉक्टर देखते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी आपको पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर देखना चाहिए। आजकल डिग्री और पढ़ाई लिखाई हो गई है, आ गई है, चलो डिग्री पढ़ाई लिखाई को छोड़ भी दें तो कम से कम आपको उनके बारे में पहले जांच पड़ताल पूरी कर लेनी चाहिए, उनके बारे में लोग क्या बात करते हैं, वो किस प्रकार से सलाह देते हैं, और उसके बाद में ही आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, मैं कभी, मैंने किसी एक वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा मैंने कहा मेरे पास आइए, लेकिन ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन अच्छे व्यक्ति के पास जाइए, जेन्युइन व्यक्ति के पास जाइए। लूटपाट जो नहीं करता है, पूजा पाठ के नाम पर लूटपाट करना, पैसों की पूजा पाठ करवाना, जो ये नहीं करवाता है, और जो जो पढ़ा लिखा आपको लगता है उसके पास आपको जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।